में आपको इतना बड़ा फायदा हो रहा है कि जो 75 सालों से इन दुष्ट राजनेताओं ने जी आपके ऊपर गुलामों के नियम थोप के रखे हैं, उनमें जी आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। नहीं, ठीक ठीक बोल रहे हैं, जो ठीक बोल रहे लाचारी व्यवस्था आपके हैं शोषण के लिए बनाई गई थी, जो आपके जी दोहन के लिए बनाई गई थी, जो आप जी पर अत्याचार करने के लिए बनाई गई थी, जो इन दुष्ट जी राजनेताओं ने आज भी आप पर थोप के रखी है, वह व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल जवाबदेह हो जाएगी और जी संवेदनशील होकर सही जी निर्णय वो भी सही समय पर लेगी। यदि उसके जी द्वारा विलंब से निर्णय लिया जाएगा या गलत हाँ निर्णय लिया जाएगा तो उसे जी लाखों में खामियाजा, क्षतिपूर्ति और कंपनसेशन देना होगा जो जी उसके जी औकात के बाहर का होगा। ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं आपका जो एजुकेशन जो लॉर्ड मैकाले ने बाबुओं को पैदा करने के लिए बनाई थी वो बदल जी जाएगी। जी 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 तो आप जो है इसको नहीं चाहते हैं क्या? क्राइम फ्री भारत का जो एग्रो मॉडल है उसके तहत रासायनिक विष से मुक्ति मिलते हुए किसानों जी की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। जी और जी इस पूरे मॉडल्स में कई जगह धन की वर्षा है, उस धन की जी वर्षा के तहत भारत की जी सरकार को 20 गुना जी ज्यादा धनराशि अवेलेबल होगी। जब आपको आप जी भारत के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए जो धन आज जी उपलब्ध है उससे यदि 20 गुना ज्यादा धन उपलब्ध है तो अपने भारतवासियों पर टैक्स क्यों जी लादना? तो अपराध मुक्त भारत मिशन का कहना है कि हम जो जी है देश को कर जी मुक्त कर देंगे। जी इस क्राइम फ्री भारत में एक ऐसा मॉडल डेवलप किया गया है जिसके तहत जी दो तरीके के अकाउंट होंगे। एक जी अकाउंट का नाम है अर्निंग जी अकाउंट, जिसके तहत आप अर्न कर रहे हो और वो आपके उस अकाउंट में जाएगा। ऐसे ही हर व्यक्ति का एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा। जब आप जी डिस्ट्रेस में होंगे, जब आप कमा नहीं पाएंगे, जब आपके अकाउंट जी में पैसा नहीं होगा, उस समय भी जी आपकी चेक बाउंस नहीं होगी, उस समय भी आपका पेमेंट जो है डिसऑनर नहीं होगा, डिक्लाइन नहीं होगा। क्यों? जी क्योंकि कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उतना अमाउंट डेबिट करते हुए आपके अर्निंग जी अकाउंट में ट्रांसफर करते हुए उसे आपकी चेक को क्लियर कर दिया जाएगा। जी और जब यदि आपकी डेबिट ज्यादा बढ़ेगी, आपकी जी कॉस्ट सेटलिंग और अर्निंग अकाउंट में यदि अर्निंग पैदा ही नहीं हो पा रही है तो फिर सिस्टम आपके पास पहुंचेगा कि जी गोपाल विश्वकर्मा जी, गोपाल वर्मा जी, गोपाल विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा विश्वकर्मा जी हाँ तो गोपाल विश्वकर्मा जी आपके जी साथ क्या प्रॉब्लम है, आप जो है क्यों जो है जी वो नहीं कर पा रहे हो, आप जो हाँ, है वर्क वर्क क्यों नहीं कर पा रहे हो आप वर्क वर्क अर्न क्यों नहीं कर पा रहे हो, काम नहीं, अर्न जी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और वो जी जी व्यवस्था आपके पास जाके आपको जी जो है मदद करे, आपको जी यदि स्किल्ड मैन पावर की प्रॉब्लम है तो वो मैन पावर उपलब्ध कराए, यदि आपको टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है तो उसको दूर करे, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है तो उसे दूर करे, मार्केटिंग की जी प्रॉब्लम है तो उसे दूर करे। तो इस जी व्यवस्था के तहत, इस सपोर्ट सिस्टम के तहत भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत डिटेल जो है उसमें वो है, जैसे कि जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र आ जाएगा, जैसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो जो है उनमें एक सेपरेशन होगा। तो जैसे ही लेजिस्लेचर आपके चुने जाएंगे उनसे परमानेंट एग्जीक्यूटिव चुने जाएंगे 5 साल के लिए, और वो जो है उनका वोटिंग पावर सीज कर जाएगा। तो वो लेजिस्लेचर के बतौर बैठेंगे, कानून का ड्राफ्ट ला पाएंगे लेकिन कानून पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको वोटिंग पावर नहीं होगा। क्राइम फ्री भारत की जो योजना है उसके तहत जो पोलिंग बूथ से चुनाव हो रहा है ये 2024 का अंतिम चुनाव होगा। आगे चल के जो चुनाव होंगे वो ऐप के माध्यम से होंगे। जब आप वोट, और उसमें मैंने बहुत विस्तार से समझाया है, आप हमारे वीडियोज उसमें देखिए कि कैसे चमत्कारिक जो है ना वो पोलिंग सिस्टम होगा जो बेहद ही पारदर्शी, अकाउंटेबल होगा, और भारत का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो वोट ना दे, ऐसा उसके लिए संभव ही नहीं होगा। इस तरीके से 21 लक्ष्यों सहित
ये देश बदल जाएगा जिसके मॉडल रेडी हैं। तो गोपाल विश्वकर्मा जी, मैं आपसे चाहता हूं कि आप पूरी शक्ति से भिड़े। आप अपने आसपास की लोगों की सूची बनाएं जिनमें आपको लगता है ऊर्जा है, जो अपने भारत के लिए, परिवर्तित भारत के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहेंगे। वो चाहे किसान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो पंच सरपंच हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो हाथ ठेले वाले हो, चाहे वो टैक्सी वाले हो, चाहे वो बेचारे सिलम एरिया में रहने वाले गरीब नारायण हो, चाहे वकील हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, जो कोई भी हो, उनको जो है पदी जिम्मेवारी देते हुए उन्हें जो है लोगों के पास जाकर जहाँ वहां पे भी वो जा सकते हैं, लोगों को वहां जोड़े और उनको जिनमें से जो है पदी जान जिम्मेवारी दे सकते हैं वो पदी जिम्मेवारी भी दे। अच्छा। ये चमत्कार 5 दिन से भी कम समय में हो जाएगा यदि हम भिड़े, और यदि हम नहीं भिड़े तो ये दुष्ट राजनेता, अब बताइए 23 जून को जो अपोजिशन लीडर्स के लोग जुड़े हैं जून में, उन्होंने आपको क्या माना है? क्या भेड़ बकरी है? जहां वो जाएंगे आप जो है ना भेड़ बकरियों जैसे उनके पीछे जाओगे, यही माना है ना उन्होंने? नहीं तो भेड़ बकरी समझ रखे हैं वो लोग तो। नहीं, उन्होंने आपको क्या माना है? भेड़ बकरी ना, भेड़ बकरी माना है उन लोग तो। हाँ, यहाँ तो 500 रुपये खर्चा देते हैं और बसों में और अपना ट्रकों में लाद के ले जाते हैं, समझ लो भीड़ भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और अपना जो बात है वो सुनाते हैं, उसके बाद अपना सुन के अपना घर आ जाते हैं। तो मैं जो है गोपाल वर्मा जी, अभी आप क्या क्राइम फ्री भारत के लिंक से ऐप को डाउनलोड करके जुड़े हैं या अभी तक नहीं जुड़े हैं? नहीं, अभी तो मैं सुन तो रहा था, बाकी देख लेता हूँ। मैं आपको अभी SMS से लिंक भेजता हूँ, उससे आप जुड़ जाइए, ठीक है ना? ठीक है, तो राम गोपाल विश्वकर्मा जी, सॉरी गोपाल विश्वकर्मा जी, आप कहाँ पे विराजते हैं, क्या काम करते हैं? ये हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कहाँ पर? हम लोग ये कठोरा में है, कोरबा के पास, कोरबा जिला पड़ते हैं अपने छत्तीसगढ़। तो फिर हमारे जो है हमारे ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कहलाए। हाँ भाई तो है। हाँ तो भाई भाई तो अलग हुए है ना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। तो आपको नहीं लगता है कि आपको पूरी शक्ति के साथ भरना चाहिए? क्योंकि मैं जो है छत्तीसगढ़ में ऊर्जा नहीं पा पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा तो वो आप लोगों को आइडेंटिफाई करो, हर जिले में जो है ना एक उसके लिए एक आदमी को, फिर उनसे कहो कि साहब जो है 5 अलग अलग आदमियों को खोजें, और हर आदमी, हर जो है उपाध्यक्ष, फिर जो है 2 जो है ना सहायक उपाध्यक्ष, और 4 जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स, राइट, उनको सजेस्ट करें। और ये हमें हर लेवल पे करना है। जी, तो आप कितनी शक्ति से इसमें लग सकते हैं और क्या आप इसमें वो स्पार्क देख पा रहे हैं जो आज की राक्षसी व्यवस्था के जो राजनेता हैं उनको मतदान के पहले हम हार स्वीकार करने के लिए विवश कर पाएंगे? मतदान के पहले जी, ये आप, मुझे नहीं मालूम है कि आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। नहीं ठीक है ना, वो तो पहले सदस्यता में जुड़ता हूँ, देखता है कि उसको एनर्जी के साथ बढ़िए, इसलिए बढ़िए क्योंकि ऐसा ना हो ये महापरिवर्तन आपके दरवाजे से लौट जाए। जी, अन्यथा जो है ये दुष्ट राजनेता आपकी और कुगति करेंगे। जी, ये आपके राजनेता है ही क्यों? इनकी शिक्षा क्या है, चरित्र क्या है, क्या चरित्र है इनका कुछ समझ? तो मैं वही कह रहा हूँ, दुष्ट कांग्रेस ने 1952 में किसको टिकट दिए? राजा महाराजा जमींदार शोषक वर्ग को दिए, दिए कि नहीं दिए? हाँ दिए। और अब जो है अनपढ़ गवार बाहुबली दल बदलू भ्रष्ट चरित्रहीन और अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। हाँ अब तो लोग बाग के दिमाग में ही बैठ गया कि अपराधी जो है नेता बनेंगे क्या रखे। नहीं, साधारण आदमी का तो बनने का काम ही नहीं है इस मॉडल में। तो जो भी लोगों को जोड़ेगा वो बन जाएगा और आपको 5 पैसे खर्च नहीं करना है।
अभी देखिए भ्रष्टाचार, कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है अभी, बिल्कुल चरम सीमा पे। मान लो देखो जिस काम भ्रष्टाचार को तो 1,000 2 नंबर, रुपया में होना है वो लाख लाख रुपया लग रहा है हम तुम्हारा। ये कह रहे हैं कि हमारे ये हजार छत्तीसगढ़ में तो खुलेआम मतलब ले रहे हैं पैसा, खुलेआम। नहीं, तो देखो आदमी को तो अपना काम कराना है, उसे पैसे देके कराए या कैसे कराए, ये बात है यदि हम इको सिस्टम बदल देंगे। अब ये बताओ, जी जो है क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि जी जो पेपर करेंसी है उसे हम विलुप्त कर देंगे, मुक्त कर देंगे। अब जी बताओ ये भ्रष्टाचार जी कैसे करेंगे? डिजिटल करेंसी लेने की औकात है, उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी होगी, जो 7-8 लेयर हाँ के पीछे भी जो है ना कुछ गड़बड़ करोगे उसको भी पकड़ लाएगी, और वो जी खुद जी FIR दर्ज करा देगी, खुद जो है ना साक्ष को पेश कर देगी, और खुद जी जो है ना आपको अरेस्ट भी करा देगी, और 3 दिन से जी 30 दिन के अंदर बिना कोर्ट जाए वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको सजा मिल जाएगी। तो जेल में सड़ने जी के लिए तो आप गलत काम नहीं करेंगे, करेंगे क्या? हाँ, तो यही सब सिस्टम लागू हो जाना चाहिए। नहीं, ये तो नहीं पब्लिक जो है लागू, ये उसी क्यों से ही लागू, परेशान है। ये क्यों लागू करेंगे? ये क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है ना, ये 21 लक्ष्यों में सब है, ऑलरेडी नीत है जिसके मॉडल बने हुए हैं। जी तो आप जो है ना जुड़िए, लोगों के नाम सजेस्ट करिए, आप जी जो आप नहीं जानते हैं किसी दूसरे से पूछिए, भैया इस जिले के हमको नहीं मालूम है कुछ नाम, अच्छे व्यक्तियों के नाम बताओ, उनसे बात कराओ, उनको जोड़ो। जी जी और जी अपनी लिंक से यदि आप जोड़ेंगे तो एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो मोहल्ला अधिकारी बनता है, 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो टाउन अधिकारी, 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी, 10 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो जिला अधिकारी, 50 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी, 100 व्यक्तियों को जी जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारी, और राष्ट्रीय जी अधिकारी बनने के बाद फिर आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है, और अच्छा छत्तीसगढ़ की स्थिति में जो है 90 सीटें, जी राइट? जी जी तो जी 90 लोग ऐसे जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, क्राइम फ्री भारत मिशन का जो है प्रतिनिधि पहुंचेगा, एक हाथ से सर्टिफिकेट दूंगा, दूसरे हाथ से जो है विधायक का टिकट देगा, और अच्छा आपको अच्छा पूरी व्यवस्था में कहीं भी अपने लिए वोट नहीं मांगना है, आपको लगातार जी जो है क्राइम फ्री भारत और 21 लक्ष्यों को जो है ना बेचना है। यदि आप लोगों को जोड़ के और नंबर वन पे जी आ गए तो मुख्यमंत्री भी आप बन जाएंगे। जी 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 तो आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे कि नहीं बनना चाहेंगे बगैल की जगह पे? वो तो बात की जा, नो, अच्छे अच्छे काम के लिए तो भाई ये तो कमिटमेंट है, ये जी अवसर जी भी है। देखो जी 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 आपको जो है जो 290 में आ जाएगा उसे अपने आप टिकट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा उसको। उसे जो है यदि वो 30-35 में आ गया तो वो मंत्री बन जाएगा, ये घोषित पॉलिसी है। नंबर एक आ गया तो मुख्यमंत्री बन जाएगा, नंबर 2-3 पे आ गया तो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा। आज कौन किसको बना रहा है? ठीक, बना रहा है क्या? नहीं तो गोपाल विश्वकर्मा जी, मैं जी आपसे प्रार्थना करूंगा कि पूरी शक्ति से भिड़िए, कहीं जी ऐसा जी ना जी हो महापरिवर्तन आपके रास्ते से बिना मैं दरवाजा ठीक बंद होने के कारण वापस लौट जाए, और आज जी जी 75 वर्षों से इनकी जूते लाते हैं आप खा रहे हैं, मालूम नहीं कितने जी और वर्षों तक आपको यही आपका आपका और आपके बच्चों की नियति बन जाए। जी जी जहां 1,000 रिश्वत पहले दे लेते थे, अब 1 लाख देना पड़ रही है, आगे चल के 1 करोड़ से भी काम नहीं चलेगा। इसीलिए तो क्या है ना, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, ना इंडस्ट्रीज लोग का हो पा रहा है, ना किसी के, सब ग्रोथ रुक गया है तो हमारी। उसको छोड़ दीजिए, इससे जुड़ जाइए तो ग्रोथ की कोई सीमा नहीं रहेगी। और इसमें तो एक क्राइम फ्री भारत का मनी मॉडल है जो कह रहा है ना आपको FDI की जरूरत है, ना सरकार के पैसे की जरूरत है, केवल एक ही चीज की जरूरत है, पौरुषता की, श्रम करने की। हालांकि इन दुष्टों ने वो चीज को भी खराब कर दिया है, फ्री भी बांट के, दारू बांट के, आपके अंदर जो श्रम का सम्मान और श्रम करने की क्षमता दोनों को खत्म कर दिया है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इन दुष्ट राजनेताओं ने श्रम का सम्मान और श्रम करने की क्षमता दोनों खत्म कर दी। ये तो पूरा खत्म कर दिए हैं, पूरा खत्म कर दिए हैं। तो पहले तो अब आदमी जो है कि नौकरी मांगने के लिए खड़ा रहता था दरवाजे में, अब तो उनके दरवाजे में खड़े रहो तो भी नहीं आते उठो। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब आपको परिवर्तित भारत के मॉडल अवेलेबल हैं और आपको जो है मैथिली शरण गुप्त जैसी शख्सियत मॉडल बना के बैठ के और उनको रोज चुनौती दे रही है कि माननीय जो है ना प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हारेंगे, और वो भी मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे, वो भी ऐसे उभरते हुए चंद्रगुप्तों से
जिनके आज चेहरे भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो तो मेरिट लिस्ट के आधार पर बनेंगे ना। जी जी जी, जी तो आज कोई कह सकता है कि मैं चंद्रगुप्त हूँ? नहीं, आज कोई भी नहीं कह सकता है। तो जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आएगा वो बनेगा, वो बनेगा। नहीं, ठीक ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। तो गोपाल जी पूरी ताकत लगा दीजिए। दुआ जी से तो मेरी बहुत बार बात हुई, वो एक बार मुझसे बोले कि साहब मुझे बना दीजिए, मैंने कहा मेरे में क्षमता नहीं है आपको बनाने की। हाँ, आप में क्षमता है, यदि आप लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आएंगे तो आपका बनना 200% तय है। जी 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 जी, जी। मैथिली शरण गुप्त ने अपने हाथ में कोई पावर ही नहीं रखा है। हाँ, नहीं, मैंने भी जितने सदस्य बनाए हैं ना सबके पास में लिंक भेजता हूँ। हाँ नहीं, उनसे लिंक भेजो, एनर्जी वालों को उनसे कहो कि जुड़े हैं वो, बात करो उनसे, क्योंकि देखो अकेला लिंक भेजने से काम नहीं चलेगा। और लिंक आपको अपनी भेजना है, मेरी वाली भेजोगे तो मेरे नंबर बढ़ेंगे। आपको जो है इस लिंक से जोड़ के, आप जब जुड़ जाएंगे अपना फोटो डाल के, अपना नाम डाल के, अपने बारे में लिख के और अपना पिन कोड डाल के जब सबमिट करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे, राइट? जी, जी, और उसे आप खोलेंगे तो आपका सबसे नीचे उस ऐप में दाहिनी ओर प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को देखेंगे तो उसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड है, जिसे आप व्हाट्सएप पे जो है ना आप सभी लोगों को शेयर कर लीजिए। एक बार में 5 लोगों को शेयर करते हैं, व्हाट्सएप का ही फीचर उन्होंने लिमिट कर दिया है, ठीक है ना? तो आप जो है 5-5 करके सभी लोगों को से शेयर कर लीजिए। इसके बाद एक सूची बनाइए, जिसमें ज्यादा एनर्जी हो उनको जो है पदी जिम्मेवारी दीजिए। तो आप ये मान लीजिए कि हर जिले के लिए आपको जो है ना एक उपाध्यक्ष घोषित करना है, फिर उस उपाध्यक्ष के फिर उस दूसरे क्षेत्र के जो है ना अपने से या किसी दूसरे के माध्यम से आप जो है ना ऐसे 5 लोगों से अलग अलग जो है 5 उपाध्यक्ष जो है बनवाइए, और उनके उनसे कहिए कि वो उन्हें 2-2 सहायक उपाध्यक्ष और 4 जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो है ना सदस्यों को प्रस्तावित करना है। इस प्रकार आपकी 2-5 जो है उपाध्यक्ष, 10 सहायक उपाध्यक्ष और 21 कार्यकारिणियों की समिति की जो है ना लगभग जो है संरचना पूरी हो जाएगी। और यही काम हमें जो है सभी स्तरों पर करना है। तो हम लोगों से पूछ के जिनको जानते हैं उनको सीधे, जिनको नहीं जानते हैं और इनको आपको प्रस्तावित करना है, और यदि आप प्रस्तावित करके हमारे पास भेजेंगे तो हम उनको जो है, और उसमें करना क्या है उनको, उन्हें एक तो सहमति देना है कि हाँ मुझे ये पद प्रस्तावित किया गया है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ कि पूरी एनर्जी के साथ काम करके आपके जो है पदी जिम्मेवारियों का निर्वहन करूंगा। दूसरा, उसको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ गया है, उसका फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो उसकी प्रोफाइल में है उसे भेजना है, एक आधार कार्ड भेजना है, वोटर कार्ड भेजना है, और इसको भेजने के साथ जो है उसे वो पदी जिम्मेवारी दे दी जाएगी। जी जी, तो कितना आसान है? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो गोपाल विश्वकर्मा जी जरा एनर्जी के साथ जो है जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम।